उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर हमने 307 और 302 यानी कि हत्या की कोशिश और हत्या का मुकदमा, इनकी हमने राज्य में लागू किया कि अगर कोई संक्रमण का कारण बनता है, संक्रमण का कारक बनता है, तो उसको 307 के अधीन उस पर मुकदमा दर्ज होगा। और हमने 16 लोगों पर अभी तक के मुकदमे दर्ज किए हैं, जो जिसके कारण कोई संक्रमण होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 307 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जो लोग छुपे हुए थे वो लोग फिर बाहर निकले अपने घरों से, या जहां वो छुपे हुए थे वहां से बाहर निकले। और आपको बता दूं मीनाक्षी, हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से जो हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्यवाही की तो ये 1435 लोग निकले, 1435 लोग चौदह जो छिपे हुए थे। सौ पैंतीस जी। और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया। उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया, अगर उनमें संक्रमण प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया तो उनको क्वारंटाइन किया गया। और आज जो लोग संक्रमित हुए हैं, जिनका जो पॉजिटिव केस हुए हैं, वो अधिसंख्य वो लोग हैं जो क्वारंटीन में थे। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता थी, बिल्कुल, ये और बड़ी हमारी जो खबर सर आपने आंगन हमको यहाँ पर दी कि जी 1435 लोग थे जो छिपे हुए थे, जो दिल्ली के मरकज से वहां जी पर पहुंचे थे और उसके बाद अलग हिस्सों में भी पहुंचे। मरकज या कुछ जमात से जुड़े हुए थे, ये जी जमायती जिनको कहना चाहिए, ये 1435 लोग थे, और हम एक एक को ढूंढ पाने में सफल हुए। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो हमारी आशा बहनें हैं, और जो अन्य जो संगठन जिन्होंने हमको सहयोग किया, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। लेकिन हमने जरूर किया कि 5 मार्च को, सॉरी 5 अप्रैल को हमने घोषणा की कि अगर आप 6 अप्रैल तक सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत सख्ती से सामने पेश आएंगे।